तो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट में जो हमारे सबसे पहला ऐप है उसका नाम है वाया ब्राउजर। तो दोस्तों एक 387 KB का इंटरनेट ब्राउजर है जो कि गूगल क्रोम और यूसी ब्राउजर की तरह ही वर्क करता है, पर इस ऐप में आपको इतनी स्मॉल साइज में भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको बाकी ब्राउजर में नहीं मिलते। तो दोस्तों सिंपली आपको इस ऐप को आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना और कुछ परमिशंस अलॉक करने के बाद ये एप्लीकेशन रेडी टू यूज हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का डेडिकेटेडली पैनल मिल जाता है जहाँ पे आप इस सारी ब्राउजर की पूरी सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सेटिंग करने के लिए, तो आप आपके मन के हिसाब से जो भी सेटिंग करना चाहे वो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का भी एक टैब मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा टैब आपको मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है यूसी ब्राउजर में आपको ब्राउजिंग के लिए बहुत सारी सेटिंग मिलते हैं, इसीलिए यूसी ब्राउजर ज़्यादातर लोकप्रिय है। तो वो सारी सेटिंग दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाया ब्राउजर में मिल जाते हैं और ये ऐप पूरी तरीके से स्मूथ वर्क करता है। यहाँ पे आपको जो है टन्स ऑफ एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाती है जो कि आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को जो बहुत इन्हेंस करने वाली है। तो दोस्तों सिंपली आपको सर्च बार में कोई भी जो भी वेबसाइट आपको सर्च करनी है उसे सर्च कर लेना। बहुत ही फास्ट और सुपर स्लीक के एप्लीकेशन है, इसकी साइज कम है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐप लैग होता है, ऐप पूरी तरीके से फुल फाइन वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐसे ब्राउजर की तलाश में जो आपके स्मार्टफोन में ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम ना करे तो दोस्तों आपके लिए एप्लीकेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों आप सिंपली नीचे दिए गए लिंक से जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, इसका जो इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे लिस्ट में अगला ऐप है उसका नाम है इंस्टाडिक। तो ये एक डिक्शनरी ऐप है जो कि आपके स्मार्टफोन को शेक करने से इस्तेमाल में आती है। तो दोस्तों जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हो आपके सामने सेटिंग का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो आप शेक स्ट्रेंथ को आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बाकी सारे भी सेटिंग मिल जाती है। जैसे जैसे आप इस सेटिंग को चेक करोगे आपको बाकी सारी यूजफुल सेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको जो भी वर्ड का मीनिंग चाहिए सिंपली आप उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी जो टोटल 4 लैंग्वेज अवेलेबल है तो सिंपली आप जो भी लैंग्वेज चाहिए उसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सिंपली अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग चाहिए तो सिंपली आपको जो आपके स्मार्टफोन को शेक करना है, तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग चाहिए तो सिंपली उसे कॉपी करना है और उसके बाद आपके स्मार्टफोन को आपको थोड़ा सा शेक करना है। तो जैसे आप शेक करोगे यहाँ पे नीचे जो उस वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है व्हाइट लाइट। तो दोस्तों एक टॉर्च एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यूजुअली आपके स्मार्टफोन में टॉर्च एप्लीकेशन आपको जो है प्री इंस्टॉल मिल जाती है, पर दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप लॉक स्क्रीन में भी जो एक टैप में टॉर्च को ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों एक यूजफुल एप्लीकेशन और इसकी साइज है वो है 649 KB। तो इसके लिए दोस्तों ये ऐप ना ही आपके स्मार्टफोन में ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करने वाली है। तो सिंपली दोस्तों आप जैसे आपके स्मार्टफोन को लॉक करोगे कुछ इस तरीके का जो प्रेफरेंस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे जो आपको स्वाइप ऑन ऑन स्वाइप ऑफ का जो ऑप्शन मिलता है उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है ओपन इन व्हाट्सएप। एक 55 KB की बहुत ही यूजफुल और यूनिक एप्लीकेशन है। अगर दोस्तों आप किसी स्ट्रेंजर को सिर्फ एक या दो व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हो बिना नंबर सेव किए, तब आपको ये एप्लीकेशन बहुत काम में आने वाली है। सिंपली आपको इस बॉक्स में उस पर्सन का नंबर टाइप करना है और यहाँ पे आपको ओपन इन व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना और आप सीधा जो व्हाट्सएप के पेज पे ओपन हो जाओगे। यहाँ पे अगर आप चाहे तो उसे एक दो मैसेज कर सकते हो और उसके बाद सिंपली बैक चले जाइए। इसके लिए ना ही आपको उस पर्सन का नंबर सेव करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके का जो एप्लीकेशन वर्क करता है, यहाँ पे सिंपली आपको जो भी कंट्री में आप रहते हो उसका कोड डाल देना और ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगले ऐप है उसका नाम है कैलकुलस। तो दोस्तों अगर आप एक इंजीनियर हो या अगर आप मैथ के लिए कोई डेडिकेटेडली स्टडी कर रहे हो तो उसमें जो दोस्तों आपको एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली। तो दोस्तों एक 585 KB की कैलकुलेटर की ऐप है जिसमें आपको कैलकुलेटर के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ डेरिवेटिव के साथ साथ जो बाकी सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो अगर आप एक इंजीनियर है तो आपके लिए ये ऐप मस्ट हैव है। इसमें जो आप बाकी सारे जो काम है आपके सीधा आपके स्मार्टफोन्स में कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको डेरिवेटिव ग्राफ बाकी सारे ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ग्राफ में भी यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांस फीचर मिलते हैं जो कि आपको बाकी सारे कैलकुलेटर ऐप्स में देखने के लिए नहीं मिलते। तो सिंपली दोस्तों अगर आपको किसी ऐसे कैलकुलेटर ऐप की जरूरत है तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को एक बार आपके स्मार्टफोन में जरूर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको डेरिवेटिव का भी जो ऑप्शन मिल जाता है जिसके लिए दोस्तों आपको अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, पर दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको सारे फीचर जो एक ही ऐप में मिल जाते हैं।
तो दोस्तों अगर आप आपके स्मार्टफोन का जो यूजफुल यूज करना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों ये मस्ट हैव ऐप है। तो दोस्तों ये बहुत ही स्मॉल साइज ऐप है, इसमें दोस्तों आपको जो फॉर्मूलाज भी मिल जाती है, जो कि जिसके लिए भी दोस्तों आपको जो अलग कोई ऐप सर्च करनी पड़ती है, आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो काफ़ी सारे फॉर्मूला जो इस ऐप में मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के टाइम में या अगर आप किसी नीड में हो तब आपको बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते यहाँ पे जो हम हमारे अगले ऐप पे, तो उसका नाम है ऐप एक्सट्रैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आप आपके स्मार्टफोन में किसी अलग या आपके स्मार्टफोन में जो प्री इंस्टॉल रहता है उस ऐप मैनेजर का इस्तेमाल करते होंगे, पर एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में बहुत ही स्पेस कंज्यूम करता है। पर दोस्तों आपको इस ऐप एक्सट्रैक्टर के लिए सिर्फ 100 KB जो स्पेस यूज करना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका जो फोन मैनेजर वर्क करता है कुछ इस तरीके का, जो ऐप आपके लिए वर्क करता है। पर इस ऐप में दोस्तों आपको बाकी सारे जो एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी यूनिक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप में जो आप किसी भी ऐप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी ऐप को जो शेयर कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आप सीधा इस ऐप से जो इस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन मिल जाता है। यानी अगर आप बहुत सारे ऐप्स को एक ही बार में सिलेक्ट करके उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इसके बाकी सारे फीचर को यूज करना है तो सिंपली आपको ऐप पे टैप करना है और यहाँ पे जो बाकी सारे फीचर आपके सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप इस ऐप को किसी को सेंड कर सकते हो, इसकी लिंक जो है उसे भी सेंड कर सकते हो, इस ऐप को गूगल प्ले में ओपन कर सकते हो। तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्लिक जो ऐप आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो आपको 3 डॉट्स में बाकी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसे चेक कर सकते हैं अगर आप इस ऐप का रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपको साइड में एक सर्च बार मिल जाता है जो कि काफ़ी यूनिक जो वर्क करता है। इसी के साथ आप दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से बाकी सारे काम जो कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च बार पे आपको एक व्हाट्सएप ऐप जो सर्च करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च बार में किसी भी ऐप का नाम डालोगे तो यहाँ पे जो उस ऐप को ऐप सर्च कर देगा और उस ऐप के साथ जो दोस्तों आपको जो काम करना है वो आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला ऐप है उसका नाम है BAM। तो दोस्तों ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल सबसे टाइनेस्ट ऐप है। इस ऐप की जो साइज़ है वो सिर्फ 2.5 KB। इस ऐप में दोस्तों आपको ना ही ऐड देखने के लिए मिलते हैं और ना ही कुछ एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। सिंपली दोस्तों आपको इस ऐप को अगर एक प्रैंक या फन के लिए इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो। तो 2.5 KB में दोस्तों आपको और चाहिए भी क्या। तो सिंपली दोस्तों एक 2.5 KB भी एक ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हो। बहुत ही फनी डिस्क्रिप्शन इस ऐप डेवलपर ने इस ऐप के लिए बनाई है। तो अगर दोस्तों आप आपके दोस्तों के साथ प्रैंक करना चाहते हो तो ये ऐप जो है आप मस्ट यूज कर सकते हो। इसी के जैसे बाकी सारे ऐप जो दोस्तों आपको प्ले स्टोर को देखने के लिए मिल जाते हैं, पर दोस्तों इन ऐप्स में जो काफ़ी ऐप्स में आपको एड्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों ये ऐप जो है बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की तरफ, उसका नाम है फोटो सी जी फ्लाइट। तो दोस्तों ये ऐप एक्चुअली में एक फोटो रिसाइजर है जो कि आपके इमेज को रिसाइज करके आपके स्टोरेज को कंज्यूम होने से बचाता है। तो सिंपली दोस्तों सेटिंग में आपको जो सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको किसी फोटो रिसाइजर में मिलते हैं, पर दोस्तों ये ऐप आपको जो फीचर देते हो सारे फीचर देता है आपको सिर्फ 396 KB में। तो ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूजफुल ऐप अगर आपको आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज को बचाना है तो उसके लिए साबित हो सकती है। यहाँ पे आपको सारे जो सेटिंग्स मिल जाती है जो कि आपके हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हो। सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप कैमरा या गैलरी पे जो भी आपको इमेज चाहिए सिंपली उसे लोड कर देना है। मैं यहाँ पे जो एक इमेज को यहाँ पे लोड कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जो फोटो सी जिप प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है, 100% हो जाने के बाद सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। इसमें से दोस्तों अगर आप चाहे तो इस ऐप को जो शेयर भी कर सकते हो या इस इमेज को आपके स्मार्टफोन में सेव भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फीचर आपको बहुत ही अच्छा मिलता है कि आपको इस ऐप में से जो शेयर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको बाकी सारे रिसर्चर ऐप में नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही यूजफुल ऐप है। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे लास्ट ऐप की तरफ। तो दोस्तों वैसे तो आपने प्ले स्टोर पे बहुत सारे स्टोरेज क्लीनर ऐप सर्च किए होंगे, पर क्या दोस्तों आपको पता है ये डिस्क यूजर्स ऐप पे उसकी साइज सिर्फ 186 KB, यानी कि सिर्फ 186 KB में आपको ऐसे यूनिक फीचर मिलते हैं जो कि आपको बाकी सारे स्टोरेज क्लीनर ऐप में देखने के लिए नहीं मिलते। तो दोस्तों आप इस
ऐप में जो आपके सारे स्टोरेज को एनालाइज कर सकते हो, उसके फोल्डर है उनकी भी साइज देख सकते हो, उनके सब फोल्डर है उनकी भी साइज देख सकते हो, उन सब फोल्डर के भी जो आप इस ऐप में साइज देख सकते हो। तो ये आपको काफ़ी यूनिक फीचर इस ऐप में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको बाकी सारे जो डिस्क क्लीनर ऐप है उसमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज एप्लीकेशन है, और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ ऐप है, तो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक एक कंसेप्ट है। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो उस फाइल की जो उसे ओपन करके भी इस ऐप में देख सकते हो, तो ये भी फीचर आपको इस ऐप में मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर रिस्कैन डिलीट और सॉफ्टवेयर का जो ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो आपको अंडर 1 MB प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं, और वो काफ़ी यूजफुल जो आपके स्मार्टफोन में साबित हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियोज लाता रहता हूँ। टिल देन बाय।